सब्सक्राइब कीजिए जीके महात्मा जी को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के। तो आ गए आप, कैसे हो? चलिए शुरू करते हैं फटाफट जीके क्विज नंबर 75। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसका अलाउंस हम नेक्स्ट वीक क्विज में जरूर कर देंगे। पहला क्वेश्चन, एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स। दोस्तों स्टीव जॉब्स का जन्म सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव जॉब्स के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी, इस कारण उन्होंने उन्हें गोद देने का फैसला किया और उन्हें गोद लिया गया कैलिफोर्निया के पाल रेन होल्ट द्वारा। इस तरह दोस्तों स्टीव जॉब्स की लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आए और आखिरकार वो बने एप्पल कंपनी के जन्मदाता। क्या बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन डी रूस। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को स्थापित किया गया था और इसी के साथ शुरू हो गई अंतरिक्ष रेस और इस रेस में कूद पड़ा अमेरिका भी। जनवरी 31, 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह बनाया जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय महान क्रांतिकारियों में शामिल थे, उन्होंने आजीवन ब्रिटिश राज्य शक्ति का डटकर सामना किया। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वे उच्च कोटि के राजनेता होने के साथ साथ ओजस्वी लेखक और प्रभावशाली वक्ता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप को माप करने वाला एक यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1955। स्वतंत्रता के पश्चात 1955 में एमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। पृष्टि मार्ग की आधारशिला महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए रैमसे मैकडोनाल्ड। लंदन में आयोजित हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को समानता का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन डी भानु अथैया। इन्हें ऑस्कर पुरस्कार 1983 में गांधी फिल्म में वस्त्र डिजाइन के लिए दिया गया था। भानु अथैया जी चरित्र और फिल्म के कथनांक यानी कि कहानी को ध्यान में रखकर परिधान डिजाइन करती हैं और ये उच्च कोटि की परिधान डिजाइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किसके साथ है? ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन बी मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? ऑप्शन सी 1952। वर्ष 1952 में निर्वाचन आयोग द्वारा 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी और 60 दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 2। फोबस और डाइमस और इनकी खोज की थी असफ हल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, नृत्य। इनका जन्म 11 मई 1918 में केरल में हुआ था। यह भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी। इन्हें अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट पीटर कहलाता है? ऑप्शन ए, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? ऑप्शन ए, अल्तुनिया। नेक्स्ट, ऑक्टोपस का रक्त कैसा होता है? ऑप्शन बी, नीला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपके कितने सही जवाब हैं कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। अब आपको मिलता है चैलेंज। वह शहर जहां अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2018 शुरू किया जाएगा। ऑप्शन मिल रहे हैं, सही जवाब आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।